सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम देने जाने वाले सभी अभ्यर्थियों में से बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो एडमिट कार्ड आया है उसमें ई केवाईसी के बारे में बताया गया है। तो आप दो तरीके के एडमिट कार्ड देख रहे होंगे, जहां पर एक साइड तो कुछ बच्चों का लिखा हुआ है कि आधार प्रमाणित है यानी कि उनका ऑथराइज्ड है, और कुछ बच्चों के लिए यहां कोने मर प्यारे बच्चों ई केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित यानी कि आपकी ई केवाईसी की जाएगी। तो आप सभी बच्चे सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड में ये चीज जरूर चेक कर लें, क्या आपके एडमिट कार्ड में ऐसा तो नहीं है कि ई केवाईसी के लिए यहां पर रेड कलर में कॉर्नर में प्यारे बच्चों लिखा हुआ है। तो जिन बच्चों का पेपर है 23 तारीख में, 24 तारीख में, 25 तारीख में, उनके एडमिट कार्ड आ गए तो उन्हें सबसे पहले ये चीज जरूर चेक कर लेनी है। भ्रम में ना रहें, चीजों को ध्यान से देख लें, नहीं तो अब तक जितनी मेहनत की है हो सकता है वो सब बेकार चली जाए और आप अगर डिले हो जाएं, आपको जानकारी ना हो तो उस कंडीशन में। अब प्यारे बच्चों, ये मामला है क्या, यहां आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरते समय अपने आधार कार्ड का नंबर डाला था, अपना आधार कार्ड लगाया था, वो प्यारे बच्चों उनका वेरीफाइड है, उन्हें कोई समस्या नहीं है। अब जो बच्चे फॉर्म भरते समय अपना आधार कार्ड नंबर नहीं लगाए थे, अपना आधार कार्ड नंबर नहीं दिए थे, उन बच्चों के में यहां पर रेड कलर से ई केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित है यानी कि आपकी एग्जाम सेंटर पर ई केवाईसी की जाएगी। इसके बारे में इनका नोटिस भी आया था कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है, उनसे अपेक्षा है कि वो अनिवार्यतः परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें, जिससे कि निर्धारित समय अवधि में उनका सत्यापन किया जा सके। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी परीक्षा सुबह 10 बजे वाली शिफ्ट में है तो आपको जनरली प्यारे बच्चों यानी कि कितने बजे बुलाया गया है, 8 बजे, 8 बजे से लेके आपका 9:30 बजे तक आपकी एंट्री है, इसके बाद गेट बंद हो जाएगा। लेकिन ये सामान्य बच्चों के लिए जिनका प्रमाणित है, आपको और कम से कम बेटा 1 घंटे पहले, कम से कम 7 बजे आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। सर हमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, करना तो नहीं है, लेकिन वो आपका सत्यापन करेंगे, आपका वेरिफिकेशन करेंगे यानी कि जिसे इन्होंने ई केवाईसी का नाम दिया है। ठीक है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ई केवाईसी के लिए लेकर जाने हैं, तो प्यारे बच्चों एक तो आपको अपना आधार कार्ड तो बहुत जरूरी है ही कि आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएं, जो कि प्यारे बच्चों ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल आधार कार्ड। अपना प्यारे बच्चों आपका जो आपका क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड, वो तो लेकर ही जाओगे आप एडमिट कार्ड, साथ के साथ आधार कार्ड के साथ एक वैध आईडी प्रूफ और होना चाहिए आपके पास। सर जी ये क्या है, जैसे कि या तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, या फिर आपका पासपोर्ट हो आपके पास, या फिर बच्चों आपका एक और जो आपका आईडी कार्ड होता है ना, वोटर आईडी कार्ड, वो हो तो वो आपके, देखो पैन कार्ड इसमें नहीं चलेगा तो पैन कार्ड लेकर मत पहुंच जाना। तो अपने आधार कार्ड के साथ एक वैध आईडी प्रूफ आपको लेकर बच्चों कम से कम सुबह वाली शिफ्ट वालों को कितने बजे पहुंचना है, 7 बजे अपना समय से पहुंच जाएं, वो वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि कितना समय लग जाए वेरिफिकेशन में कोई पता नहीं है, तो समय से पहले पहुंचना आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेट जाना नुकसान दे सकता है। तो सभी वो बच्चे जिनके एडमिट कार्ड पर रेड कलर में ई केवाईसी के लिए लिखा हुआ है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है कि अपनी परीक्षा से बहुत पहले यानी कि समय से 1 घंटे पहले जो बुलाया उन्होंने, कम से कम तब तो आप जरूर पहुंच जाएं। देखो किसी भी कीमत पर परीक्षा ना छूटे आपकी, यही मैं आपसे उम्मीद करूंगा, और आप अपना एग्जाम सेंटर बाकी चीजों के बारे में भी जानकारी पहले ही कर लें, कितनी दूर है, कितना समय लगेगा। तो आप, मैं तो कहूंगा अगर अगले दिन पेपर है तो उससे पहले शाम को, अगर सुबह की शिफ्ट में तो शाम को एग्जाम सेंटर के आसपास ही पहुंच जाएं, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी थी आपके लिए कि ये ई केवाईसी का फंडा क्या है, जिन्होंने आधार नंबर नहीं डाला था उन बच्चों के लिए ये समस्या आई है, जिसका निदान भी उन्होंने बताया है। तो आप यहां से जानकारी लेकर अपना समय से पहुंचे। सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद बच्चों।